लिया जाए। चैप्टर का नाम है संधारित्र कैपेसिटर। तो कैपेसिटर क्यों पढ़ना है, है ना, इंट्रोडक्शन क्या चीज़ होती है, कौन सी डिवाइस है ना, इसके बारे में जान लेते हैं। कैपेसिटर शुरू से हमने बताया भी कि जैसे जब से समझ लीजिए कि इंसान है ना सोचने समझने लायक हुआ, जैसे पहले क्या था कि जो चीज़ें थी ऐसे ही रहना था, घूमना टहलना था, जहाँ मिल गया खा लिया, जहाँ मिल गया रह लिया, है ना। शुरुआत में जब वो कहते नहीं आदि मानव वाली सभ्यताएँ चल रही थी, उस समय यही चीज़ थी क्या कि जहाँ मिल जाए वहाँ रह लो, जहाँ मतलब जानवर मिल जाए मार के खा लो, यही चीज़ें थी। स्टोरेज नाम के इंसान के पास कोई चीज़ नहीं थी। स्टोरेज मतलब समझ रहे हैं, संग्रह करने की क्षमता उस समय इंसान के पास नहीं थी। लेकिन जब वो एक जगह रहने लगा तो संग्रहण की क्षमता हो गई उसके अंदर, मतलब वो खाना स्टोर करने लगा और अपनी रहने की चीज़ों को स्टोर करने लगा, घर बना लिया। तो हर चीज़ को हम स्टोर करना चाहते हैं, हर चीज़ को स्टोर करना चाहते हैं, हर चीज़ को स्टोर करना चाहते हैं। मतलब कि जैसे अगर आपसे कहा जाए कि एनर्जी को स्टोर करना है, किसको, एनर्जी को, तो एनर्जी कई टाइप की होती है ना। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि आप मान लीजिए पानी को ही स्टोर करना चाहते हैं, है ना, आप काइनेटिक एनर्जी को स्टोर करना चाहते हैं, किसको, काइनेटिक एनर्जी को। तो आप करते क्या हैं कि जैसे आपने एक डैम बना दिया, बांध, जानते हैं ना, बांध बना दिया, यहाँ पर क्या हो गया, पानी आकर रुक रहा है। और इस लेवल पे आपने कोई एक चीज़, जैसे जो भी जिस पे भी डायनेमिक ऊर्जा, मतलब काइनेटिक ऊर्जा आपको चाहिए, गतिज ऊर्जा चाहिए, यहाँ पर आपने वो चीज़ रख दी। जैसे मान लीजिए डायनमो, डायनमो पता है क्या करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज करता है, किसको, काइनेटिक एनर्जी को या मैकेनिकल एनर्जी को। तो यहाँ पर आपने एक डायनमो लगा दिया, ऐसे मान लीजिए डायनमो ये घूम सकता है यहाँ पर, है ना। तो ऊपर से आप क्या करेंगे, यहाँ से जैसे ही खोलेंगे तो यहाँ पर पानी गिरेगा और ये घूमना शुरू करेगा। लेकिन ये आप कब कर पाए, जब आपने एनर्जी स्टोर कर रखी थी, किसकी फॉर्म में, पानी की फॉर्म में। वो पानी ऊपर से गिर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी इसकी बढ़ रही है धीरे धीरे, और काइनेटिक एनर्जी इसको घुमा रही है। यहाँ पर हमने किसका स्टोरेज किया, पानी का स्टोरेज किया, ठीक। ऐसे ही कई सारी फॉर्म में हम लोग एनर्जी को स्टोर करते हैं, है ना। सारी चीज़ों का स्टोरेज हमने देख लिया था इसके पहले। मतलब स्टोरेज की बात करें, जैसे हीट स्टोरेज की बात करें, हीट को स्टोर कर सकते हैं आप कई सारी फॉर्म में, है ना। लाइट को स्टोर कर सकते हैं, कई सारी चीज़ें, मतलब स्टोरेज की बात आए तो आप स्टोर कर सकते हैं। लेकिन अभी तक हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने का कोई डिवाइस नहीं था, वैद्युत ऊर्जा को संग्रहित करने का कोई डिवाइस नहीं था। तो वही डिवाइस कौन सी है, कैपेसिटर। ये किसको अपने आप में संचित करती है, वैद्युत ऊर्जा को। बात समझ में, ये अपने अंदर किसको संचित करती है, वैद्युत ऊर्जा, यानी ये संचय करने वाले ही एक डिवाइस है जो अपने अंदर किसको संग्रहित करेगी, वैद्युत ऊर्जा को। पहली बात समझ में आई। दूसरी बात, इसकी ज़रूरत क्या पड़ी कि जैसे कभी कभी क्या होता है, अगर हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी एक साथ चाहिए, जैसे मान लीजिए 1.5 वोल्ट की बैटरी आती है मोबाइल में, 3-4.5 वोल्ट की बैटरी होती, कितने वोल्ट की होती, 4.5 वोल्ट की। अब जब आप कैमरा से कोई फ़ोटो खींचते हैं तो उसमें फ्लैश लाइट होती है, वो जलती है, उसको जलाने के लिए कम से कम मान लीजिए 50 वोल्ट आपको चाहिए, उतनी लाइट तेज़ जलाने के लिए। ये एलईडी ही तो है, ये एलईडी ही तो है। तो एलईडी नॉर्मल अगर आप देखा जाए तो आप बैटरी से भी जलाते हैं तो कम से कम 12 वोल्ट तो लगता ही है, लगता है ना। आपके मोबाइल की बैटरी कितनी है, 4-4.5 वोल्ट, है ना, और एलईडी कितने पे चलती है, 12 वोल्ट पे। तो फिर कैसे जल रही है एलईडी मोबाइल में, इसमें तो 12 वोल्ट की बैटरी नहीं है। तो होता क्या है कि जैसे आपने देखा होगा पुराने समय में जब मोबाइल नहीं था तब कैमरा था, कैमरे से फ़ोटो खींचते थे जिसमें सेल पड़ते थे, दो बैटरी पड़ती थी, फ़ोटो खींचते थे तो उससे क्या होता था, कुछ देर बाद फिर दूसरी फ़ोटो खींचती थी, तुरंत फ़ोटो नहीं खींचती थी। अब होता क्या है, ये जो कैपेसिटर होते हैं ये अपने अंदर एनर्जी को स्टोर करते हैं। जैसे जो पुराने समय के कैमरे थे उसमें कैपेसिटर छोटे छोटे लगे हुए थे। अब बैटरी आपने लगाई, एक फ़ोटो खींची, तो जितना कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर थी उसने अपनी सारी एनर्जी किसको दे दी, फ्लैश लाइट को, एक बार जला दिया। अब दोबारा जलाने के लिए इनमें खुद में तो एनर्जी होनी चाहिए, तो ये कुछ देर चार्ज होते थे, क्या होते थे, चार्ज होते थे, 5-10 सेकेंड का टाइम लगता था, चार्ज होते थे, फिर से आप फ़ोटो खींचते थे, फिर से अपनी सारी एनर्जी किसको देते थे, फ्लैश लाइट को, समझ रहे हो, फिर 10 सेकंड का टाइम लगता था, ऐसा होता था। अब ये चार्जिंग और डिस्चार्जिंग वाला काम इतना तेज़ी से हो गया कि मोबाइल में आप क्या होता, तुरंत एक एक सेकंड पे, माइक्रो सेकंड पे भी फ़ोटो खींचते
रहते हैं और काम होता रहता है, क्योंकि इसमें कैपेसिटर जो लगे हैं वो क्या करते हैं, बहुत तेज़ी से चार्ज होने का काम करते हैं। मेरी बात समझ में आ रही? कैपेसिटर क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने का एक डिवाइस है। दूसरी चीज़, क्यों ज़रूरत पड़ी कैपेसिटर की? क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी जब एक साथ देनी होती है तो हम क्या करते हैं, कैपेसिटर में एनर्जी को स्टोर करा लेते हैं और उसको दे देते हैं। ठीक, बात समझ में आई? एक एग्जांपल से ऐसे समझ लें कि जैसे ये मान लीजिए एक सरफेस है, इस पर मैं ढेर सारा पानी, मान लीजिए 100 लीटर, मतलब 1000 लीटर पर सेकंड के हिसाब से पानी चाहिए, 1000 लीटर पर सेकंड के हिसाब से। तो दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो आप बहुत बड़ा पाइप ले लें जो क्या करें 1000 लीटर पर सेकंड पानी दे सके। इतना बड़ा पाइप खोदना अपने बस की बात नहीं है। क्यों? 1000 लीटर पर सेकंड, मतलब समझ रहे हो, ये नॉर्मल जो नल चलते हैं ये 1 लीटर पर सेकंड नहीं देते, तो 1000 लीटर मतलब समझ रहे हो कितनी बड़ी बात। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, आप छोटे छोटे स्टोरेज में, जैसे छोटी छोटी बाल्टी में क्या कर लो, पानी स्टोर कर लो, है ना, 200 लीटर की या 100 लीटर की ऐसे बाल्टियाँ स्टोर कर लो, और जब आपको 1000 लीटर पर सेकंड पानी चाहिए तो सारी बाल्टियाँ एक साथ इस पर खाली कर दो। तो होगा क्या कि जो छोटे छोटे स्टोरेज हैं ये आपके अब काम में आ रहे हैं, है ना। छोटे छोटे स्टोरेज जो हैं ये क्या कर रहे हैं, पानी आपने स्टोर कर रखा है, जैसे ही आपको 1000 लीटर पर सेकंड चाहिए सारे पानी आप, सारी बाल्टियाँ इस पर खाली कर देंगे। सेम यही काम कैपेसिटर का है, जब आपको ढेर एनर्जी चाहिए होती है तो कैपेसिटर ने अपने अंदर जो स्टोरेज रखा होता है एनर्जी का, वो सारे कैपेसिटर एक साथ आपको एनर्जी दे देते हैं, तो आपको जितनी एनर्जी चाहिए सारी मिल जाती है। बैटरी भी यही काम करती है, क्यों, बैटरी भी एनर्जी देने का काम करती है, लेकिन बैटरी कैसी एनर्जी देती है, कांस्टेंट एनर्जी। कांस्टेंट एनर्जी मतलब कि अगर आपको बहुत कम एनर्जी और कांस्टेंटली ज़्यादा समय तक चाहिए तो कौन काम करेगा, बैटरी। और कैपेसिटर क्या काम करता है, ये आपको एनर्जी देता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी लेकिन शॉर्ट इंस्टेंट के लिए, बहुत छोटे समय के लिए। मेरी बात समझ में आ रही? तो कैपेसिटर भी क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है, ठीक है ना, लेकिन किस काम आता है ये, कांस्टेंट एनर्जी देने के लिए कि शॉर्ट टाइम के लिए ही ज़्यादा एनर्जी देने के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए ज़्यादा एनर्जी देने के लिए। जैसे मान लीजिए आपको एक बहुत तगड़ा झटका देना है, तो बैटरी से दिया जाए कि कैपेसिटर से दिया जाए, कैपेसिटर से दिया जाए, है ना। दूसरी चीज़ समझिए, और इसका एग्जाम्पल, पंखे में आपने देखा होगा कंडेंसर होता है ना, वो कंडेंसर क्या होता है, कैपेसिटर ही होता है। जब वो ख़राब हो जाता है तो पंखा आपका शुरू में घुमाना पड़ता है चलाने के लिए, क्यों, डंडा लेके ऐसे आप उसको थोड़ा सा घुमाते हैं तब वो चलने लगता है, क्योंकि किसी भी मशीन को स्टार्ट होने के लिए, किसी भी मशीन को स्टार्ट होने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, चलने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती, उसको स्टार्टिंग टॉर्क देने के लिए, स्टार्ट में स्टार्ट करने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी होती है। जैसे जनरेटर में देखा होगा आपने, पहले हैंडल से आप घुमाते हो ज़्यादा एनर्जी देके, फिर जब वो स्टार्ट हो जाता है तो आप हैंडल धीरे से निकाल लेते हो, उसको स्टार्टिंग टॉर्क देने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ती है। लेकिन अब जो मोटर आए हैं उसमें आपको हैंडल लगाने की ज़रूरत नहीं है, जो अब इलेक्ट्रिक मोटर आए हैं, क्या इसमें भी हैंडल लगा के चलाते हो, नहीं, क्यों, क्योंकि इसमें कंडेंसर लगे हुए हैं, वो खुद ही अपनी इतनी तेज़ एनर्जी दे देते हैं कि वो रोटेट करने लगता है। बात समझ में आ रही? अगर ये कंडेंसर ना हो तो पंखा क्या करे, शुरुआत में स्टार्ट ही ना हो, है ना, क्योंकि स्टार्टिंग टॉर्क देना रहता है इसे, इसीलिए हम लोग इसमें कंडेंसर, मतलब हम लोग कंडेंसर कहते हैं लेकिन रियल में है क्या, कैपेसिटर है। मेरी बात समझ में आ रही? अच्छा, ये हो गई बात किसकी, संधारित्र की। तो संधारित्र क्या है, एक डिवाइस है, एक युक्ति है जिसमें हम क्या करते हैं, एनर्जी को स्टोर करते हैं। कौन सी एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वैद्युत ऊर्जा, और ज़्यादा एनर्जी अगर आपको एक साथ चाहिए तो आप कैपेसिटर का यूज़ करेंगे। पहली इतनी बात समझ में, दूसरी चीज़ समझें, अब इसकी जो चार्ज को, आवेश को संग्रहित करने की क्षमता है ना, जैसे कोई भी चार्ज आपने लिया, मतलब कोई भी डिवाइस ली कैपेसिटर वाली, अब उसमें आप आवेश को क्या कर सकते हो, संचित कर सकते हो। तो जब आप आवेश को संचित कर सकते हो, उसकी यही क्वालिटी, संचय करने की क्वालिटी ही क्या कहलाती है, कैपेसिटी। क्या कहलाती है, कैपेसिटी, जिसको हम कहते हैं धारिता, कैपेसिटी, धारिता। कैपेसिटी क्या है, मतलब एबिलिटी टू होल्ड द चार्ज, एबिलिटी टू होल्ड
द चार्ज, कहाँ पढ़ते हैं भैया ये? आवेश को संचित करने की या आवेश संचयन की क्षमता, आवेश संचयन की क्षमता ही क्या कहलाती है? धारिता कहलाती है। संधारित्र क्या है? डिवाइस। और उसकी जो क्वालिटी है आवेश को संचय करने की वो क्या कहलाती है? धारिता, कैपेसिटी। मेरी बात समझ में आ रही? शुरुआत अभी धीरे धीरे ही चलेंगे, है ना? अच्छा, इसकी जो धारिता है इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपेसिटी है तो सी से प्रदर्शित करेंगे। अब ये सी का फॉर्मूला क्या है इसको समझें पहले। जैसे हमने कहा, एक मान लीजिए कंडक्टर है कोई, कोई एक ऐसे चालक है, कोई भी एक ऐसे रैंडम शेप ले ली हमने, कोई एक चालक है। अब इस चालक को जितना आवेश दिया जाएगा क्या उसी प्रोपोर्शन में विभव बढ़ेगा? जैसे हमने कहा कि अभी इस पर कोई आवेश नहीं है, हम एक आवेश लेकर आए क्यू, इसका कुछ विभव हुआ होगा। फिर हम दूसरा आवेश लेकर आए मान लीजिए क्यू टू, तो अब क्यू टू क्या करेगा? एक प्रतिकर्षण महसूस करेगा इस क्यू वन के कारण, है ना? तो जब प्रतिकर्षण महसूस करेगा तो हमारी एनर्जी ज़्यादा होगी, ज़्यादा एनर्जी लगाएंगे तभी तो ये अंदर जाएगा। तो कहने का मतलब जैसे जैसे आवेश बढ़ेगा वैसे वैसे विभव भी बढ़ता जाएगा, क्यों? जैसे जैसे आप आवेश बढ़ाएंगे वैसे वैसे विभव भी क्या होगा? बढ़ता जाएगा। Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, क्यों? कह सकते हैं ऐसा? ठीक, Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। लेकिन ये जो Q और V के बढ़ने का रेशियो है ना, ये एक चीज़ पर डिपेंड करता है। किस पे? धारिता पे। कैसे? धारिता मतलब आप ये समझ लीजिए, अगर छोटा कंडक्टर लेंगे तो उसकी धारिता कम होनी चाहिए, बड़ा कंडक्टर लेंगे तो उसकी धारिता ज़्यादा होनी चाहिए। भाई छोटी सी बात है कि अगर छोटा कंडक्टर होगा तो उस पर चार्ज को एक्यूमुलेट करने की, चार्ज को इकट्ठा करने की क्वालिटी कम होगी, और बड़ा कंडक्टर लेंगे तो ज़्यादा होगी। ठीक, तो अगर छोटा कंडक्टर होगा, जैसे मान लीजिए दो एग्जांपल से समझिए इसको, हमने कहा कि एक छोटा सा कंडक्टर है, आप एक इलेक्ट्रॉन लेकर आए यहाँ रख दिया। अब जब दूसरा इलेक्ट्रॉन लेकर आओगे तो इसमें ज़्यादा विभव होगा कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ लेकर आए दूसरा इलेक्ट्रॉन लाओगे, किसमें ज़्यादा आपको विभव महसूस होगा, मतलब किसमें ज़्यादा रिपल्शन महसूस होगा? ऊपर वाले में, क्यों? क्योंकि चार्ज इसमें मतलब बहुत छोटे से उसमें है, साइज़ के कंडक्टर में है, तो रिपल्शन यहाँ आपको ज़्यादा महसूस होगा। यहाँ पर क्या है, दूसरा वाला चार्ज फ्री है, वो मूव कर सकता है, बात समझ रहे हैं? तो आपको रिपल्शन इसके कंपैरिजन में यहाँ कम महसूस होगा। ऐसा क्यों हुआ? चार्ज तो दोनों जगह एक एक इलेक्ट्रॉन का था, क्योंकि इसका शेप साइज़ बड़ा है और इसका छोटा है, तो बड़े कंडक्टर में विभव भी उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ेगा, बात समझ रहे? नहीं समझ रहे? सी पे डिपेंड करता है ना, धारिता पे, कि धारिता ज़्यादा होगी। ठीक, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, क्यू जैसे ही प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो सी वी, क्यू इज इक्वल सी वी। यहीं से जो सी है इसी कांस्टेंट को हम क्या कह देते हैं, धारिता। तो सी बराबर कितना आ गया, क्यू बाई वी। यही फॉर्मूला है आपका किसका, धारिता का। पहली बात ये समझ में आई, सी बराबर क्या, क्यू बाई वी। धारिता है क्या चीज़, आवेश को संचित करने की क्षमता ही क्या कहलाती है, धारिता। सी बराबर कितना हो गया, क्यू बाई वी। दूसरी चीज़, इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट होगी कूलाम प्रति वोल्ट, कूलाम प्रति वोल्ट। अब कूलाम प्रति वोल्ट, जैसे हमने बताया कि विद्युत में इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तीन मेन कंपोनेंट होते हैं किसी भी सर्किट को डिज़ाइन करने में। ये सब क्यों पढ़ा जा रहा है, ताकि हम लोग आगे चल के जब अल्टरनेटिंग करंट पढ़ेंगे, है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ोगे, तो उन सब चीज़ों में आपको क्या करना होगा, इन्हीं सब की ज़रूरत पड़ेगी। सर्किट ड्रॉ करनी होगी आपको, सर्किट डिज़ाइन करनी होगी। तो सर्किट डिज़ाइनिंग में तीन कंपोनेंट होते हैं मेन, कौन कौन से, एक R, एक L और एक C। R मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस, ठीक, प्रतिरोध, ऐसे वाला सिंबल होता है इसका, ठीक। दूसरा होता है L, इसको कहते हैं इंडक्टेंस, ठीक, इंडक्टेंस मतलब प्रेरकत्व, प्रेरकत्व। ये ऐसे प्रदर्शित करते हैं, आपने अगर 10th में थोड़ा बहुत ट्रांसफार्मर और ये सब चीज़ें सुनी होंगी, उसमें ऐसे कुंडली यूज़ करते थे, याद है, जनरेटर में और इसमें सब, है ना,
तो ये कुंडली, इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसको हम पढ़ेंगे आगे चुंबकत्व में, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण आएगा, EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी इसकी। तो ये तो बहुत बाद में पढ़ना है। ये तीसरा है कैपेसिटर, संधारित्र। अब इसका साइज़ क्या होता है, फिगर क्या होता है, ऐसा ही समझ लो, ये होता है संधारित्र का चित्र। तो इन्हीं तीन कंपोनेंट्स के बारे में हमें ज़्यादातर पढ़ना है। अभी कैपेसिटर पढ़ रहे हैं, अगले चैप्टर में रेजिस्टेंस मिल जाएगा, फिर आगे इंडक्टेंस होगा। इन्हीं तीनों को यूज़ करके हम लोग जितने भी सर्किट हैं, 80% सिस्टम सर्किट इसी से बनता है, इन्हीं तीनों कंपोनेंट से। ठीक है, इतनी बात समझ में आई होगी। तो जब कैपेसिटर को बार बार यूज़ करना है तो कूलाम प्रति वोल्ट की जगह एक नई यूनिट की ज़रूरत पड़ती है, जिसको हम कहते हैं फैरेड। क्या कहते हैं? फैरेड। अब आगे यही होगा कि जिसने जिस चीज़ के बारे में बताया है उसी के नाम पे हम यूनिट रखते चले जाएंगे। जैसे पोटेंशियल के बारे में वोल्ट्स ने बताया तो वोल्ट रख दिया इसका नाम, है ना। बल के बारे में कूलाम ने बताया तो कूलाम का नियम रख दिया गया। आवेश का मात्रक ही क्या रख दिया गया? कूलाम रख दिया गया। समझ रहे हैं? तो ऐसे ही संधारित्र के बारे में किसने बताया? फैरेड ने बताया। तो उनके नाम पे ही क्या रख दी गई? यूनिट फैरेड। बात समझ में आई? क्या इसका विमीय सूत्र निकाल सकते हो अपने मन से? कर लोगे? क्यू का 80, वी का निकाल सकते हो W/Q से। ठीक, चलिए ये कर लेंगे आप। इतनी बात आई समझ में? दूसरी चीज़ सोच के बताना, ये सी क्या है पहले बताओ? धारिता, कैपेसिटी, यानी कितना आवेश रख सकते हैं किसी एक कंडक्टर का। किसी एक कंडक्टर का सी फिक्स होगा कि वेरिएबल होगा? एक बाल्टी है, उसमें पानी आने की क्वांटिटी फिक्स है कि परिवर्तित हो सकती है? फिक्स है ना। ये सी कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? कांस्टेंट है। अच्छा सोच के बताना, वी को बढ़ा रहा हूँ, वी को मैं क्या कर रहा हूँ? बढ़ा रहा हूँ। सी घटेगा कि बढ़ेगा? वी को बढ़ाया जाए तो सी घटेगा ना? अच्छा, वी को घटाया जाए तो सी बढ़ेगा? नहीं होता ऐसा। बता रहे, बता रहे। वी अगर आप बढ़ाओगे तो सी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये सी जो है ये क्यू और वी से इंडिपेंडेंट होता है। सी क्या है? क्यू और वी का इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट मतलब क्यू और वी से स्वतंत्र है, ये Q और V पे निर्भर नहीं करता। C जो है वो Q तथा V पर निर्भर नहीं करता। कैसे? अभी C इसको समझो थोड़ा सा। निर्भर नहीं करता, जैसे मैंने कहा एक बाल्टी है, मान लीजिए बेलना का ऐसी बाल्टी है, ऐसा एक ड्रम है समझ लीजिए। ठीक, आप इसमें 1 लीटर पानी डालते हो तो इसके पानी की ऊंचाई 1 सेंटीमीटर बढ़ जाती है। कितनी? 1 सेंटीमीटर। ठीक है ना। 2 लीटर डालोगे तो 2 सेंटीमीटर, 3 लीटर डालोगे तो 3 सेंटीमीटर। रेशियो क्या है इनका? एक ही है। अब मैं कहूँ कि आप ऊंचाई घटा दो, क्या कर दो? ऊंचाई घटा के 2 कर दो, तो क्या उसके साथ ये नहीं बदलेगा? अगर 2 सेंटीमीटर आपने ऊंचाई कर दी तो इसका मतलब इसमें पानी कितना था? 2 ही लीटर तो था। अरे भाई, 1 लीटर बढ़ाने पे, पानी डालने पे 1 सेंटीमीटर ऊंचाई बढ़ती है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि बिना पानी चेंज किए आप इसकी ऊंचाई बढ़ा दो? आप कह दो ऊंचाई हमने 10 सेंटीमीटर कर दी लेकिन पानी 1 ही लीटर है, ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता ना। नहीं समझ में आया? हमने क्या बताया कि इसकी जो कैपेसिटी है, 1 लीटर अगर डालोगे पानी तो 1 सेंटीमीटर हाइट बढ़ेगी। तो क्या ऐसा हो सकता है कि हाइट आप 10 सेंटीमीटर बढ़ा दो और पानी 1 ही लीटर रखो? पानी भी तो उसी प्रपोर्शन में बढ़ेगा ना। तो इसका मतलब जो इसकी धारिता है, ऐसा थोड़ी कि इसको घटा दो तो वो बढ़ जाएगी। धारिता तो इसकी जितना पानी रख सकते हो उतना ही रखोगे। समझ पाए मेरी बात? जैसे इसमें देखो, सी बराबर क्या है? क्यू बाई वी। सी बराबर क्या है? क्यू बाई वी। ठीक, तो जैसे अगर आप क्यू को बढ़ाओगे तो क्या वी उसी हिसाब से बढ़ेगा? नहीं। ऐसा हो सकता है क्या कि आप V को फिक्स रखो और कह दो नहीं हम Q बढ़ाते जाएंगे V बढ़ेगा ही नहीं? समझ रहे हो? जैसे एक चालक तार, हमने मतलब चालक एक ले लिया, अब हम कह रहे हैं कि इसका V हम फिक्स रखेंगे लेकिन इस पर आवेश ढेर सारा ले आएंगे। कैसे ले आओगे? अगर आवेश ढेर सारा लाओगे तो आपको कार्य करना पड़ेगा। yes, कार्य करोगे तो विभव भी बढ़ेगा। तो सीधी सी बात है, Q को बढ़ाओगे तो ये V अपने आप बढ़ जाएगा। yes, है ना। या V को बढ़ाओगे तो Q अपने आप बढ़ जाएगा। तो ये दोनों उसी प्रोपोर्शन में बढ़ेंगे और इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये ज़रूरी बात है। मास्टर पढ़ाते समय कहते हैं कि V को बढ़ा दोगे सी घट जाएगा, है ना, V को घटा दोगे सी बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। ये Q और V पे
क्वेश्चन पूछे गए हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छोटे मोटे एग्जाम्स में पूछे गए हैं कि C इज इक्वल क्यू बाई वी में C डिपेंड करता है Q पर V पर दोनों पर कि इनमें से कोई नहीं, तो आपको अपने सेंस से बताना है। अधिकतर लोग कहते हैं Q और V दोनों पर डिपेंड करता है, जबकि Q और V के डिपेंडेंट नहीं है। Q और V का रेशियो ही क्या है? C, समझ रहे हैं? Q बढ़ाओगे तो V ज़्यादा तो नहीं होगा, समझ में आ रहा है? Q बढ़ाओगे तो V अपने आप बढ़ेगा, Q घटाओगे तो V अपने आप घटेगा, इन दोनों पर डिपेंड नहीं करता। अच्छा, इतनी बातें हो गई। फिर संधारित्र की और ज़्यादा ज़रूरत क्यों पड़ी, मतलब इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। जो आपने मान लीजिए गोलीय चालक याद है आपको, एक गोलीय चालक याद है, ये हमने आपको गॉस की प्रमेय में एक जगह समझाया था कि काफ़ी हद तक इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी का ही काम करती है। किसी भी चीज़ को मूव कराना है तो आप क्या करोगे? एनर्जी दोगे, है ना? कोई चीज़ मूव कर रही है उसको रोकना है, उसकी एनर्जी या तो ले लोगे या अपनी एनर्जी लगा के उसको रोकोगे। दोनों केस में काम किसका है? एक चार्ज यहाँ रुका हुआ है, इसके आसपास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। जैसे ही इसके बगल में इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे तो गति करने लगेगा कि नहीं? गति किसने कराई? इलेक्ट्रिक फील्ड ने। और नॉर्मल हमने देखा है गति कराने के लिए कौन सक्षम होता है? ऊर्जा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनडायरेक्ट वे में किसका काम कर रही है? एनर्जी का ही काम कर रही है। बात समझ में आई? अच्छा, जैसे ये गोलीय चालक है, इसको हमने Q आवेश दे दिया, स्मॉल Q लेते हैं, इसको भी स्मॉल ही Q कर लो, है ना? इसको हमने क्या दे दिया? Q आवेश दे दिया। इसकी रेडियस कितनी है? R। क्या इसकी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी? होगी, कहाँ से कहाँ तक होगी? सेंटर में होगी, बीच में कहीं, यहाँ पर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। ये चालक है, इसको आपने Q आवेश दिया है, क्या इस गोलीय चालक के अंदर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड? अरे भाई, चालक के अंदर कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है? चालक के अंदर जीरो होती है, सरफेस पे होगी ना, और सरफेस पे होगी, सरफेस से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाएगी? इन्फाइनाइट तक। अगर आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा हो, हमने जब चालक पढ़ाया था तो हमने कहा इसमें नुकसान ही यही है कि एक प्लेट के चलते एनर्जी कहाँ तक मिल रही है? इन्फाइनाइट तक। आपने सर्किट बनाया, आपको इतने बड़े एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए थी, और आपने एक प्लेट लगा दी, कंडक्टर प्लेट लगा दी, चालक प्लेट लगा दी, और एनर्जी कहाँ तक दे रही है? इन्फाइनाइट तक। आपने पंखा बनाया, पता चला उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आपको भी झटके मार रही है, क्योंकि उसमें आपने जो प्लेट लगाई वो कहाँ से कहाँ तक एनर्जी दे रही है? इन्फाइनाइट तक दे रही है। उससे इन्फाइनाइट में हम भी आ जा रहे हैं, तो हमें झटका मारेगी कि नहीं मारेगी? समझ रहे हो? तो इसीलिए हमने बताया था कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड को बाउंड करना चाहते हैं, बाउंडेड रीजन में रखना चाहते हैं। शायद याद नहीं आ रहा कुछ, अभी आएगा धीरे धीरे। तो ये एक चालक है, कैसा चालक है, जिसकी त्रिज्या कितनी है R, इस पर आवेश कितना है Q। हम इसकी धारिता निश्चित करना चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं कि इसकी धारिता है क्या। तो फॉर्मूला अपने पास है, C बराबर Q बाई V, C बराबर Q अपॉन में V। बताओ Q आवेश के चलते इसका विभव कितना होगा? 1/4πQ/R। ये 4πε0R कहाँ जाएगा? ऊपर। 4πε0R ऊपर गया और Q से Q, तो धारिता कितनी आ गई इसकी? C बराबर 4πε0R, ये हो जाएगी इस गोलीय चालक की धारिता। अब इस बात को आप और ढंग से समझ पाएंगे, क्या इसकी धारिता Q पे निर्भर करती है? इसमें कहीं Q दिख रहा है? V पे निर्भर करती है? इसमें कहीं V दिख रहा है? नहीं, दिख क्या रहा है? R। यानी R जितना ज़्यादा बढ़ाओगे धारिता उतनी ज़्यादा बढ़ेगी, चालक जितना ही बड़ा होगा धारिता उतनी ही बड़ी होगी। एक तरीका ये है चालक की धारिता बढ़ाने का। क्या तरीका है? एक तरीका है कि आप त्रिज्या बढ़ाते जाओ, धारा बढ़ती जाएगी, मतलब वो धारिता बढ़ती जाएगी। बाकी और कई सारे तरीके हैं जो नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग सीखेंगे धारिता बढ़ाने के तरीके, लेकिन अभी के लिए आप ये जान लें कि R बढ़ाओगे तो धारिता बढ़ेगी। ये Q पे डिपेंड नहीं करती, V पे डिपेंड नहीं करती। धारिता है क्या? आवेश को स्थानांतरित, मतलब संचित करने की क्षमता है, है ना? और जो ऐसी क्षमता रखता है उसको हम क्या कहते हैं? संधारित्र कहते हैं, कैपेसिटर कहते हैं। ये सारी बातें समझ में आ गई, आगे चले हैं। अभी भी एक दिक्कत है क्या, कि एक गोलीय चालक के चलते कहां तक ऊर्जा मिलती है? R से इन्फाइनाइट। कहां से? R से इन्फाइनाइट। अगर ये गोलीय चालक है तो आप यहाँ R डिस्टेंस के बाद आपको एनर्जी मिलनी शुरू होगी, और कहाँ तक रहेगी? इन्फाइनाइट तक, है ना? ये एक नुकसान है, इसको भी हम लोग सही कर लेंगे आने वाली क्लासेस में।
कुछ ऐसी डिवाइस बना लेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर दे, बांध दे दो चीज़ों के बीच में। बात समझ में आ गई। अब थोड़ा सा इसकी यूनिट पे भी बात कर लेते हैं। ये गोलीय चालक है, कितनी त्रिज्या है R, इस पर आवेश कितना है Q, तो Q ऐसे रखने की जरूरत नहीं। C बराबर कितना आ गया 4πε0 R, ये क्या आ गई इसकी धारिता, ये इसकी धारिता आ गई। कोई दिक्कत यहाँ तक? अच्छा अगर आपसे कहा जाए कि एक फैरेड का गोलीय चालक है, एक फैरेड धारिता का गोलीय चालक है, क्या उसको आप अपने घर में रख सकते हैं? एक फैरेड धारिता है किसी की और कैसा है, गोलीय चालक, क्या उसको आप अपने घर में रख सकते हैं? क्यों? देखते हैं सी बराबर कितनी बड़ी यूनिट होगी, देखते हैं कितनी धारिता है एक फैरेड, तो सी का मान एक बराबर 4πε0 R, 4πε0 R इधर बटे में भेज दें, 1/4πε0 बराबर कितना आ गया R, 1/4πε0 की वैल्यू 9×10⁻⁹, 9, और ये सारी चीज़ें SI यूनिट मीटर में होंगी, 9×10⁻⁹ मीटर। ध्यान से समझो, अगर इसको किलोमीटर में बदला जाए तो किससे भाग करें, 1000 से यानी 10⁻³ से, तो कितना हो गया 9×10⁻⁶ किलोमीटर, यानी 9×10⁻⁶ किलोमीटर त्रिज्या होगी किसकी, एक फैरेड वाले संधारित्र की। ध्यान से समझो, 9 कितनी यूनिट, 6 बार ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इतने किलोमीटर त्रिज्या होगी किसकी, उस गोलीय चालक की जिसकी धारिता एक होगी। लेकिन जो अपनी पृथ्वी है ना, उसकी त्रिज्या 6400 किलोमीटर है। सोच लो कि पूरी पृथ्वी को अगर संधारित्र बना दिया जाए तो उसकी भी धारिता एक फैरेड नहीं होगी, बहुत छोटी पड़ जा रही है इसके आगे, ठीक है ना। तो एक फैरेड बहुत बड़ी राशि होगी, तो बहुत बड़ी मतलब पृथ्वी भी अगर तुम बना दो पूरा संधारित्र तो भी एक फैरेड आवेश आप संचित नहीं कर सकते। इसीलिए हमने इसके व्युत्पन्न मात्रकों की बात की, डिराइव्ड यूनिट्स की बात की, कि छोटे यूनिट्स यूज़ कर लो भाई, इतना बड़ा अगर आवेश है मतलब इतना बड़ा संधारित्र है तो फिर छोटे संधारित्र की ज़रूरत है ना। तो हमने क्या किया, छोटे यूनिट्स की ज़रूरत पड़ी हमें, तो हम क्या करते हैं छोटे यूनिट, माइक्रोफेरेड मतलब 10⁻⁶ फैरेड, पिको फैरेड 10⁻¹² फैरेड, इन यूनिट्स का यूज़ करेंगे। कहीं भी क्वेश्चन में आप देखेंगे तो आपको सीधे सीधे फैरेड लिखा हुआ नहीं मिलेगा, माइक्रो फैरेड पिको फैरेड इसी हिसाब से होगा। धूप ज़्यादा है ना, समझ में आई बात? चलिए तो ये हो गया। अच्छा मान लो अगर पूरी धरती को एक चालक मान ही लिया जाए तो उसकी धारिता कितनी होगी, देखते हैं। हमने पृथ्वी को क्या मान लिया है, एक चालक मान लिया, तो अगर पृथ्वी को चालक मान लिया तो C=4πε0 R होता है ना, तो पृथ्वी की त्रिज्या कितनी 6400 किलोमीटर, 6398 होता है शायद, लेकिन अप्रॉक्सीमेट 6400 ले लेते हैं, ठीक। तो R की वैल्यू मीटर में लिखना चाहो तो 6400 किलोमीटर को मीटर में बदलोगे तो 1000 से गुणा करोगे तो हो गया 3×2⁵, 64×10⁵ मीटर, इतनी त्रिज्या होगी। उठा के रख दो यहाँ पर, सी बराबर 4πε0 64×10⁵, 4πε0 की वैल्यू 1/9×10⁹9 × 64×10⁵, ठीक है। प्लस का 9 ऊपर जाएगा तो 5 में से 9 गया 4, तो 10⁻⁴ 64/9, ठीक। 9×7 = 63, कितना बचा 1.0 लगाओगे 0 बढ़ जाएगी, ठीक है। 9×1=9, फिर एक बचा 9×1=9 × 10⁻⁴ फैरेड। हम लोग थोड़ा सा सही यूनिट में लिखना चाहते हैं तो इसलिए 10 इधर खिसकाया तो 10 बढ़ी, 1 और इधर खिसकाया तो 0 और बढ़ी, तो लिख सकते हैं 0.711 माइक्रोफेरेड, इतनी धारिता होगी किसकी, पृथ्वी की। अगर पृथ्वी को चालक मान लिया जाए तो इतनी धारिता होगी। समझ में आई बात?
ये तो हो गई बात जब उसको चालक मान लिया गया। पृथ्वी का विभव कितना होता है? जीरो, है ना। प्रैक्टिकल अगर बात करें, जैसे ये तो ठीक है आइडियली अगर आप इतना कर लें तो हो जाएगा, लेकिन प्रैक्टिकल अगर बात करें तो पृथ्वी का विभव कितना होता है? जीरो। सी बराबर क्यू बाई वी में जब आप वी की वैल्यू जीरो रख दोगे तो सी कितना हो जाएगा? इन्फाइनाइट। प्रैक्टिकल अगर देखा जाए तो ये बहुत बड़ी यूनिट है, तो सी को हम क्या मान लेते हैं? इन्फाइनाइट। पृथ्वी की धारिता कितनी? इन्फाइनाइट, चाहे जितना आवेश तो सबको अपने अंदर संचित कर ही लेगी। समझ में आएगा। ये कहानी थी किसकी? धारिता की। इसको थोड़ा सा आगे कल कंटिन्यू करेंगे, आज के लिए इतना ही। थोड़ा सा रिवाइज करके आए इस चीज़ को, है ना, तब आगे समझ में आएगा।